हेलो डियर फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप लोगों को तो पता ही होगा कि बारिश के मौसम में कुछ चटपटी चीज़ें मिल जाएं बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और इस समय बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो बच्चों के स्कूल की भी लंच बॉक्स की टेंशन रहती है हम माओं को बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने बनाया है स्पेशल पनीर का पराठा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी और बहुत झटपट से ये बन जाने वाली रेसिपी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर ले लिया नॉर्मल गेहूँ का आटा। तो ये गेहूं का आटा, इसमें हम मैदा नहीं डालेंगे और इसको हम अच्छा सा गूंथ करके डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसको हमें सॉफ्ट गूंथना है, रोटी से थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। फिर आटा गूंथ के हम साइड में रख देते हैं। फिर हम देखिए यहाँ पे ले लिए हैं 300 ग्राम पनीर। तो पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो बड़े वाले ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हैं या फिर इस छोटे वाले ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हैं, वो आप अपने च्वाइस के अनुसार ग्रेट कर सकते हैं। फिर देखिए इस पनीर को, हम सारी पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डाला है धनिया पत्ता, जो कि धनिया पत्ता स्वाद को दोगुना कर देगा। और हमने यहाँ डाला है अदरक, अदरक हमने कद्दूकस करके डाला है। 3 से 4 हमने ले लिया है हरी मिर्च, तो हरी मिर्च आप कूट करके भी ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक बड़ा साइज का प्याज ले लिया है, हमने इसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के डाल सकते हैं। फिर हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे हमने डाला है गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें अमचूर का पाउडर डाल दीजिए और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, टेस्टी लगेगा। फिर देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, तभी ये बढ़िया पराठा में स्टफिंग लगेगी। तो फ्रेंड, पनीर का पराठा बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हर मौसम में पराठे सबके घर में नॉर्मली पराठे बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर पराठा बनाया जाए तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ना, बच्चों के टिफिन बॉक्स भी बदल जाते हैं। तो देखिए इसमें हमने डाल दिया लास्ट में नमक, नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे। और नमक डाल करके थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से नमक सारे में मिक्स हो जाए। फिर इसकी इस तरीके से हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स आप अपने अनुसार बना सकते हैं। देखिए मैंने तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाया था, तो मुझे छोटे पराठे बनाने थे, तो मैंने छोटे छोटे इस तरीके से बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारी बॉल्स हमने बना करके तैयार कर लिया है। इधर देखिए हमारा आटा जो है बढ़िया से लग करके तैयार हो गया है। तो आटा को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, तो हमारा पराठा बहुत ही गुब्बारे के जैसे फूला फूला बनता है। अगर हम डायरेक्टली बनाने लगते हैं आटा गूंद करके, तो पराठे थोड़ा कम फूलते हैं, बनते अच्छे हैं लेकिन फूलते कम हैं। फिर इस तरीके से छोटी लोई बेल लेंगे हम, छोटा सा बेल लेंगे। फिर इसमें देखिए एक लड्डू उठा करके इस तरह से हम रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे। फिर देखिए इसको दबाते हुए इस तरीके से अच्छे से इसी में बढ़िया एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको एक लोई बना करके तैयार कर लेंगे। फिर इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से हाथ से इसको चपटा करेंगे ताकि पूरे में स्टफिंग फैल जाए अच्छे से। फिर इस तरीके से नॉर्मल हाथ से हमें बेलना है, धीरे धीरे हाथों से हमें इसको बेल करके तैयार करना है। अगर हम ज़्यादा जोर लगा देंगे तो पराठा फट जाएगा, तो फिर पराठा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी नहीं अच्छा लगेगा ना, फटा पराठा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे। फिर देखिए हमने तवा रख दिया, तवा अच्छे से गर्म हो गया था। फिर इस तरीके से हम इसमें पराठा डाल देंगे जो हमने बेल करके रखा हुआ था। जब एक साइड से पराठा सेक जाएगा तब इसमें हम तेल लगाएंगे। आप तेल कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर से सेक सकते हैं, देसी घी से सेकिए। वैसे बटर से सेकिए बहुत टेस्टी लगता है, पनीर का पराठा अगर बटर से सेका जाए बहुत टेस्टी लगता है। फिर देखिए पराठे को घुमाते हुए अलट पलट करते हुए अच्छे से हम सेक लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए पराठा हमारा सेक करके तैयार है, तो आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सेका मैंने कोई और पराठा, कटिंग मैं किसी और पराठे की कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो बच्चे लेकर के टिफिन चले गए थे। फिर मैंने जो लास्ट में पराठा था उसकी कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया पराठा बना हुआ है, स्टफिंग पूरे पराठे में अच्छे से लग चुकी है। और इस तरीके से कटिंग करके दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में ना।
तो देखिए कितना बढ़िया पराठा बन करके तैयार हुआ है ना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हो तो। फिर मिलेंगे, बाय।